अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर रविवार को पालकोट रोड गुमला स्थित केदार बागान में मजदूरों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सभी मजदूरों से संगठित होकर कार्य करने की अपील की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुमला अंचल के सर्कल इंस्पेक्टर मनोज कुमार थे। उन्होंने कहा कि मजदूर भाई बहन किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त ना करें, मेहनत की कमाई खाए और किसी भी परिस्थिति में बुराई का रास्ता ना अपनाएं। वहीं मजदूर संगठन CFTUI के जिलाध्यक्ष जुम्मन खान ने कहा कि मजदूर अपने अधिकार प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम करें, कम उम्र के बच्चों को काम पर ना लगाएं, अपने मौलिक अधिकारों को समझें और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने किसी प्रकार की परेशानी आने पर संगठन को सूचित करने की अपील की। साथ ही कहा कि नशापान और अंधविश्वास के खिलाफ अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें। मुख्य रूप से रांची से समाज सेवी मसीह जामा, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता कौशिक कुमार देवी, सुनीता कुमारी, मोहन उराव जावेद, जेके बरकत जैद, रजाक सुरेंद्र, कुजूर अली हसन सहित सैकड़ों महिला एवं पुरुष मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में शामिल मजदूरों के बीच चावल, दाल, चना, गुड़ सहित कई सामान का वितरण किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।